सीबीएसई और शिक्षा विभाग के बीच आज बैठक होगी, जिसमें के पाठक और अतुल प्रसाद बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक में बताया जा रहा है कि इसमें कुछ फैसले की उम्मीद नजर आ रही है। सुबह 11 बजे बीपीएससी में सभी अधिकारी जुट जाएंगे। 1:1 यहां पर 1:5 में बीएड के रिजल्ट को लेकर फैसला लिया जाएगा। शिक्षक बहाली को लेकर सभी बिंदुओं पर दोनों के बीच बातचीत होगी। बैठक में कट ऑफ मार्क्स अपीयरिंग के रिजल्ट से भी जुड़ी बातचीत की जा सकती है। यानी बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को भी बैठक की सूचना दी गई है। शिक्षक बहाली के रिजल्ट से पहले एसटीईटी अपीयरिंग के रिजल्ट पर भी बातचीत होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, और हमारे साथ संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। तो रजनीश, आज उम्मीद है कि इस बैठक से कुछ राहत अभ्यर्थियों को मिलेगी और फैसला सामने होगा। देखिए शिप्रा, बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच जो विवाद चल रहा था, उस विवाद पर अब विराम लग गया है। सीएम नीतीश कुमार ने कल ही के पाठक को बुलाया था और बैठक की है सीएम ने खुद ही, और उसके बाद आज रिजल्ट से पहले जो है बीपीएससी और यानी अतुल प्रसाद और के पाठक के बीच जो है अहम बैठक की जाएगी। सुबह 11 बजे जो है बैठक होगी, इसमें कट ऑफ मार्क्स से लेकर जो एस्टेट अपियरिंग कैंडिडेट हैं उनके रिजल्ट को लेकर ये तमाम फैसले आज लिए जाएंगे। साथ ही जो बीएड अभ्यर्थी हैं जो 1:5 में अपियर हुए थे उसके लिए भी आज फैसले लिए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर आज फैसले का दिन है। तकरीबन दोपहर 2 बजे तक बीपीएससी जो है पत्र जारी कर सकता है कि बीएड अभ्यर्थी जो है रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे या फिर रिजल्ट के लिए उनका जो है वेटिंग जो है उनको रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि 3,90,000 जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके फैसले का आज दिन है। उसके साथ साथ जो एसटीईटी परीक्षा अभी चल रही है बिहार में 15 सितंबर तक, तो एसटीईटी परीक्षा को लेकर भी बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर को बुलाया गया है बैठक में। यानी एस्टेट रिजल्ट भी अगर जारी हो जाता है तो एस्टेट अपियरिंग कैंडिडेट का भी रिजल्ट जो है साथ में शिक्षक बहाली में जारी हो सकता है, क्योंकि एस्टेट को ही मौका मिला था। 3.5 लाख एस्टेट अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो आज बीपीएससी में फैसले का दिन है और दोपहर 2 बजे तक तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसके साथ साथ जो अपियरिंग कैंडिडेट वाले अभ्यर्थी हैं उनको आज खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि आज बीपीएससी और के पाठक एक साथ बैठेंगे अतुल प्रसाद, और आज सब कुछ आमने सामने हो जाएगा। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश।